इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। एसयूवी के अंदर आपको ये चक्का मिल रहा है, उसके हालांकि सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट, आप 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। सबसे बड़ा अंतर है दोस्तों इन दोनों गाड़ियों के बीच में, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है। हर पिलर के ऊपर एयरबैग 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 की बैजिंग देखने के लिए मिलेगी। इसमें सार्फिन छोड़िए दोस्तों, कोई एंटीना नहीं मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार, स्वागत है एक और वीडियो में। पीछे आप फ्रेम में देखिए दोस्तों, हमारे पास खड़ी है दो नेक्सॉन। नेक्सॉन के ऑलमोस्ट सभी वेरिएंट की वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है, लेकिन अब टाइम आ गया दोस्तों कंपैरिजन वीडियो का, और बहुत सारे कंपैरिजन भी ऑलमोस्ट मैंने डाल दिए हैं। लेकिन आज हमारे सामने है नेक्सॉन का सबसे बेस वेरियंट, मतलब की स्मार्ट वेरिएंट, ठीक है, जो 8,09,900 रुपए से शुरू होता है। और दूसरा वेरियंट है दोस्तों क्रिएटिव वेरियंट, जो 11 लाख रुपए एक्सोरूम कीमत में आता है। तो दोनों वेरिएंट का आज महा कंपैरिजन होने वाला है, और देखते हैं आज इन वेरिएंट में क्या अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब 8 लाख और 11 लाख रुपए के बीच में आपको 3 लाख का ऑलमोस्ट अंतर मिलता है, तो 3 लाख में आपको वो वर्थ करता भी है या नहीं करता है, तो ये सब कुछ आज इस वीडियो में देख लेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों फाइनली सामने है टाटा नेक्सॉन का बेस वेरिएंट, और इधर है टाटा नेक्सॉन का सेकंड टॉप वेरिएंट। दोनों में कंपैरिजन देखने वाले हैं, ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए का अंतर मिलता है। यहां पर आपको 8,09,000 रुपए एक्सोरूम कीमत मिलती है, और यहां पर 11 लाख रुपए आपको एक्सोरूम कीमत मिलती है। तो देखो सबसे पहले चाबी की बात कर रहे हैं, तो चाबी देखिए बेस वेरिएंट में सबसे पहले नॉर्मल की मिलती है, दो कुछ इस तरीके की, कोई सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती, कोई रिमोट की नहीं मिलती, कुछ इस तरीके की नॉर्मल की ही देखने के लिए मिलेंगी। और अगर क्रिएटिव वेरिएंट की बात करूं तो इसमें दोनों ही चाबियां जो हैं रिमोट के साथ में देखने के लिए मिलेंगी, और रिमोट के अंदर आपको बूट अनलॉक करने के लिए फॉलो मी हेडलैम्प का बटन मिल जाता है कुछ इस तरीके से, और गाड़ी को लॉक और अनलॉक करने के लिए बटन्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इसकी चाबियां। अब बात करते हैं इंजन की। तो देखो दोस्तों इन दोनों गाड़ियों में इंजन में तो कोई अंतर नहीं है, पावर में भी कोई अंतर नहीं है। जो मेन अंतर मिलता है ना वो इसके गियर बॉक्स में मिलता है। आपको स्मार्ट और प्योर वेरिएंट के अंदर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, और अगर बात करें क्रिएटिव और फियरलेस वेरिएंट की तो इसके अंदर आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, ठीक है। तो ये जो मेन अंतर है वो सबसे बड़ा अंतर गियरबॉक्स का ही है इन दोनों गाड़ियों में, ठीक है। अब बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज रिवोट्रॉन इंजन मिलता है 3 सिलेंडर के साथ में, 113 BHP की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने के लिए मिलता है, ठीक है। डायमेंशंस की अगर बात करें तो डायमेंशंस ऑलमोस्ट आपको दोनों ही गाड़ियों के सेम देखने के लिए मिलेंगे। जो भी अंतर आएगा आपको आगे हेडलाइट में और फीचर्स में अंतर देखने के लिए मिलेगा। तो अब एक एक करके सभी अंतर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्रिएटिव वेरिएंट में देखते हैं क्रिएटिव वेरिएंट में आपको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले आपको सीक्वेंशियल इंडिकेटर तो दिखाई दे रहे होंगे, उसके बाद यहां पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ये सामने की ग्रिल मिलेगी, टाटा का लोगो मिल जाता है। यहां पर आगे फ्रंट में कोई भी 360 कैमरा या फ्रंट पार्किंग सेंसर का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहां पर देखें तो बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, फॉग लाइट नहीं मिलेगी इस वेरिएंट के अंदर, और एयर वेंट की बात करें तो वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ग्रिल यहां पर आपको पूरी मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगी, और नीचे की स्किड प्लेट है वो व्हाइट कलर के टच के साथ में मिल जाती है। अब बात करते हैं स्मार्ट वेरिएंट की। तो देखो स्मार्ट वेरिएंट में आपको सीक्वेंशियल इंडिकेटर नहीं मिलते, नॉर्मल LED इंडिकेटर मिलते हैं। इसी के अंदर आपको DRL मिलती है, और अगर बात करें हेडलाइट की तो यहां पर आपको LED बेस्ड बाई फंक्शनल हेडलैम्प मिलती है, और फॉग लाइट आपको यहां भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। एयर वेंट आपको एज इट इज मिल जाते हैं, और सामने ग्रिल की बात करें तो फ्रंट ग्रिल आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगी, और ऊपर की जो ग्रिल है ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश में टाटा के लोगों के साथ देखने के लिए मिल जाती है। तो ये हो गया दोस्तों इसके फ्रंट का अंतर। अब देखते हैं साइड प्रोफाइल में क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले अब बात करेंगे इसकी क्रिएटिव वेरिएंट की। तो साइड प्रोफाइल पे आ जाते हैं, तो ये व्हील आर्चेस देख सकते हैं। व्हील आर्चेस जो है ये बॉडी ग्लाइडिंग आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगी, लेकिन कलर की बात करें तो ओशियन ब्लू कलर है, और ब्लैक कलर की ये जो ग्लाइडिंग है बहुत शानदार लग रही है इसके ऊपर। उसके बाद देखो ORBM ये पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगा, इसी के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। यहां पर आपको डोर रुक सेंसिंग का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलेगा। साइड ग्लाइडिंग डोर ग्लाइडिंग की बात करें तो यहां पर आधी ग्लाइडिंग आपको जो है बॉडी कलर में मिलती है, और उसके नीचे जो है मैट ब्लैक फिनिश का टच देखने के लिए मिलेगा। पीछे की तरफ आ जाते हैं टाटा लोगो तो मिलता है, और यहां पर ये जो पट्टी है ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगी। ए पिलर और बी पिलर की बात करें तो ये ब्लैक डॉट मिलते हैं, ऊपर की तरफ ग्रे फिनिश के साथ आपको रूफ रेल देखने के लिए मिलती है। सार्फिन एंटीना पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है, और अगर पीछे की तरफ आ जाएं तो यहां पर टेल लाइट के अंदर भी आपको सीक्वेंशियल इंडिकेटर दिखाई ही दे रहा होगा, और आपको कनेक्टेड टेल लैंप तो मिली जाती है। यहां पर देखें तो आपको पीछे की तरफ या रियर ग्लास में बात करें तो डिफॉगर तो नहीं मिलता है, लेकिन रियर वाइपर वॉशर आपको देखने के लिए मिल जाता है नीचे की तरफ, ठीक है। यहां पर आप देखते हैं तो रिफ्लेक्टर तो मिल जाते हैं, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर, नेक्सॉन की ब्रांडिंग मिल जाती है, टाटा का लोगो, उसके नीचे रिवर्स पार्किंग कैमरा, और यहां
यहाँ पर छोटी सी हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने के लिए मिलेगी। पीछे अगर देखें तो नीचे की जो स्किड प्लेट है वो भी आपको व्हाइट टच में मिलने वाली है, जैसे कि आगे की तरफ मिल रही है। अगर इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये फ्यूल लाइट खुली हुई मिल जाएगी। दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको 44 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाता है। और अगर इसके माइलेज की बात करें दोनों गाड़ियों का, दोस्तों माइलेज भी दोस्तों कंपनी जो है ना सेम बताती है। ARI माइलेज जो है 17.44 किलोमीटर पर लीटर का यहाँ पर कंपनी ने क्लेम किया है। ठीक है, अब बात करते हैं स्मार्ट वेरिएंट की और इसकी साइड में और आगे मतलब बॉडी में और क्या क्या देखने के लिए चेंजेस मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए व्हील आर्चेस सेम एज इट इज मिल रहा है। यहाँ पर आपको फ्लेम रेड कलर मिलता है और फ्लेम रेड के ऊपर भी ये टच आपको बहुत शानदार देखने के लिए मिलेगा। अगर यहाँ पर डोर ग्लाइडिंग की बात करें तो अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर मिलेगा, ये अब आपको पूरी मैट ब्लैक फिनिश में मिलती है। और ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर ये जो पट्टी थी आपको मिल रही थी पियानो ब्लैक फिनिश में, लेकिन यहाँ पर मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगी। ए पिलर और बी पिलर बॉडी कलर में मिलेगा। ORBM की बात करें तो देखो टर्न इंडिकेटर तो मिलेगा लेकिन मैट ब्लैक फिनिश के साथ में। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ तो ये लोगो तो आपको एज इट इज टाटा की हर कार पे मिलने वाला है। ऊपर की तरफ देखें तो सार्क फिन एंटीना भी नहीं मिलेगा, इसमें सार्क फिन छोड़िए दोस्तों कोई एंटीना नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए रूफ रेल भी नहीं मिलेगी आपको। और पीछे की तरफ आ जाए तो देखिए नॉर्मल इंडिकेटर आपको देखने के लिए मिलेंगे लेकिन कनेक्टेड टेल लैंप के साथ में। पीछे की तरफ रियर ग्लास में बात करें ना डिफॉगर मिलता है ना रियर वाइपर मिलता है ना वॉशर कुछ नहीं मिलता है। और यहाँ पर देखें पीछे की तरफ रिफ्लेक्टर ऐसा मिलता है, दो आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर तो मिल जाते हैं लेकिन रिवर्स पार्किंग कैमरा यहां से गायब कर दिया गया है। ठीक है, टाटा का लोगो, हाई माउंट स्टॉप लैंप, नेक्सॉन की ब्रांडिंग, ये सब तो आपको एज इट इज देखने के लिए मिलेगा ही। 44 लीटर की कैपेसिटी का फ्यूल टैंक आपको इसके अंदर भी देखने के लिए ही मिलता है। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ आपको प्रोफाइल अब देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इनके टायर साइज की। तो देखो स्मार्ट वेरिएंट के अंदर जो टायर साइज है वो आपको 195/60 की प्रोफाइल के साथ 16 इंच का स्टील रिम मिलता है। आगे फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में बात करें तो वहां पर आपको ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलेंगे। और अगर क्रिएटिव वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको जो है क्रिएटिव वेरिएंट में आपको जो है 215/60 की प्रोफाइल के साथ में 16 इंच का एरो इंसर्ट एलॉय व्हील मिलता है। यहाँ पर एरो इंसर्ट में अब मतलब क्या है, ये जो चीज है ना इसे कंपनी ने बोला है एरो इंसर्ट। बाकी ये जो फ्लैप देख रहे हैं ये प्लास्टिक में, बाकी एल्यूमिनियम मिल जाता है। सेंटर में टाटा की बैजिंग मिल जाती है, फ्रंट में जो है डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक मिल जाता है। तो अब ऐसा कुछ मिलता है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम चलेंगे स्मार्ट वेरिएंट के केबिन में, वहां आपको क्या कुछ मिलेगा देखने के लिए। तो चलते हैं स्मार्ट वेरिएंट में और फिर बात करेंगे क्रिएटिव वेरिएंट की। तो करते हैं डोर को ओपन और सबसे पहले सबसे बड़ा अंतर डोर से ही दिखाना शुरू करता हूं मैं। तो देखो यहां पर फ्रंट में जो है दो ही पावर विंडो मिलती हैं फ्रंट डोर्स के अंदर, रियर डोर में पावर विंडो नहीं मिलती हैं। क्या मिलेगा सिस्टम वो आगे चल के देखेंगे, लेकिन सब कुछ यहां पर ये प्लास्टिक में हार्ड प्लास्टिक में मिलने वाला है। अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर मिल जाता है, कोई भी स्पीकर नहीं मिलेगा आपको इस वेरियंट के अंदर। डोर हैंडल ब्लैक मैट फिनिश में, उसके बाद यहां पर भी ये ब्लैक मैट फिनिश मिल जाती है। अगर ORBM की बात करें तो मैनुअली एडजस्टेबल आपको ORBM देखने के लिए मिलेगा, ना इलेक्ट्रिकल फोल्ड और ना ही इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीट के अंदर आपको एडजस्टेबल, इवन दोनों नहीं चारों ही सीट के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सीटिंग साइज में कोई अंतर नहीं मिलेगा, सेम सीटिंग साइज मिलता है लेकिन हाइट एडजस्टेबल आपको सीटिंग में नहीं देखने के लिए मिलेगा। और अगर इस तरफ देखें तो AC वेंट का डिजाइन आपको यहां पर मिल ही जाता है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर बैठकर बात करते हैं। तो देखो अंदर की तरफ आ गए, अब अंदर की तरफ सबसे बड़ा अंतर क्या है, देखो स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग पे कोई भी कंट्रोल नहीं देखने के लिए मिलेगा लेकिन इलेमिनेटेड लोगो तो आपको मिल जाता है। साथ में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, जो पुरानी नेक्सॉन आती थी, नेक्सॉन XE, XM वगैरह जो पहले वेरिएंट आते थे मतलब सेकंड जनरेशन, तो उसका पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है उठा के इसमें लगा दिया है। तो जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करता हूं तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये देखिए लोगो तो यहां पे आ गया, साथ में ये देखो भैया, मुझे हालांकि पर्सनली बताऊं ना, पर्सनली मुझे पुराना वाला ज्यादा अच्छा लगता है नए के मुकाबले, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो टैकोमीटर, स्पीडोमीटर यहाँ पर आ गया, ओडोमीटर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर फ्यूल गेज आ गया, टेम्परेचर आ गया। ठीक है, यहाँ पर TPMS वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, मोड चेंज करने के बाद इसमें देखते हैं वॉइस नोटिफिकेशन आपको मिलता है या नहीं। तो मैं मोड चेंज करके देखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिटी मोड आपको दिख रहा होगा। अब जैसे ही मैं चेंज करूंगा, देखो सिटी के बाद स्पोर्ट मोड पे आ गई,
लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी वॉइस नोटिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिला। ठीक है, तो ये एक अंतर है इस गाड़ी में। उसके बाद देखो, चाबी तो मैंने आपको दिखाई दी, यहाँ पर ये एसी वेंट का डिजाइन हो गया, कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है। दोस्तों क्या किया जाए यार, टाटा का लेस वेरिएंट में कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं, कोई भी स्पीकर नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये सब कुछ हार्ड प्लास्टिक में ब्लैक कलर में ही मिलता है। उसके बाद देखो, यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पर सर्कुलेशन मोड मिल जाता है, यहाँ हेजार्ड बटन, और यहाँ बूट ओपन करने के लिए, इकलौता बटन आपको इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ देखें तो यहां पर एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, और कुछ चार्जिंग के लिए नहीं मिलेगा। ये है दोस्तों 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, सबसे बड़ा अंतर इस गाड़ी के अंदर। उसके बाद देखो, ड्राइव मोड चेंज करने के लिए आपको यहां पर डायल मिल जाता है, यहाँ पर आपको दो कप होल्डर मिलते हैं, ये बोतल होल्डर, यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाते हैं, और यहाँ पर देखें ग्लोव बॉक्स तो कुछ ऐसा मिलता है, कूल्ड का ऑप्शन मिल जाता है, दो कप होल्डर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, यहाँ पर कार्बन फाइबर का फिनिश देखने के लिए या टच देखने के लिए मिलता है। अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ये टिकट होल्डर कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पर सादा सिंपल आपको IRVM मिलता है, एक लाइट यहाँ मिल जाती है, यहाँ पर माइक वाइक कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जगह दी है, आफ्टर मार्केट आप लगा सकते हो माइक। उसके बाद देखो पैसेंजर एयरबैग ऑन है या ऑफ है, तो उसके लिए इंडिकेशन मिल जाता है, और यहाँ पर देखें पैसेंजर साइड में तो वैनिटी मिरर छोटा सा सनसेट के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पर देखें तो ये देखो, ये है ग्रैब हैंडल, गजब। एयरबैग की बात करें, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, हर पिलर के ऊपर एयरबैग 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 की बैजिंग देखने के लिए मिलेगी। चलते हैं दोस्तों अब किसमें, क्रिएटिव वेरियंट में। सबसे पहले आप बात करते हैं क्रिएटिव वेरियंट की, और अंदर की तरफ आ जाते हैं क्रिएटिव वेरियंट के। तो करता हूं मैं डोर को ओपन, डोर का सेंसिंग का ऑप्शन तो मैंने दिखाई दिया था। उसके बाद देखो, सबसे बड़ा अंतर डोर से देखने पर शुरू हो जाता है, यहां पर आ गया अब आपको लेदर टच। ठीक है, कुशनिंग आ गई लेदर टच की। उसके बाद ये व्हाइट कलर में आ गया, वहां पर मैट ब्लैक फिनिश था, यहां पर व्हाइट टच है। चारों पावर विंडो मिल गई, ड्राइवर साइड वन टच डाउन मिल जाती है, पीछे वाली विंडो को लॉक अनलॉक करने के लिए क्रोम में डोर हैंडल मिल जाता है, यहां पर आपको अम्ब्रेला होल्डर बोतल होल्डर एज इट इज मिलेगा। यहां पर देखें तो एक स्पीकर यहां मिल जाता है, इवन चारों ही डोर में स्पीकर मिलेगा, और दोनों ही ए पिलर के अंदर आपको ट्विटर देखने के लिए मिलेंगे। सीटिंग की बात करूं तो सभी सीट्स के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, साथ में आपको यहां पर हाइट एडजस्टेबल मिल रहा है। एक बड़ा अंतर ये मिल गया दोस्तों, सीटिंग साइज में कोई अंतर नहीं है, फैब्रिक में कोई अंतर नहीं है, लेकिन यहां पर हाइट एडजस्टेबल में अंतर है, उस गाड़ी में नहीं मिलता है, लेकिन इस गाड़ी में आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखते हैं अंदर बैठ के और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। एक चीज रह गई दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM तो मिल जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल नहीं मिलता है। अंदर बैठकर बात करते हैं तो देखो दोस्तों, अंदर की तरफ अगर बात करें तो ये देखो, यहाँ पर कुछ इस तरीके से फुली डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सा देखने के लिए मिल जाता है। हालांकि ये जो पार्ट है ना, ये TFT में है, ठीक है, और ये जो पार्ट है ये फुली डिजिटल है। यहाँ पर ओडोमीटर मिल जाता है, यहाँ टैकोमीटर, टेम्परेचर कंट्रोल, फ्यूल गेज देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस तरीके से। स्टेयरिंग की बात करें तो देखो, स्टेयरिंग में आपको जो है टिल्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। अरे कहाँ गया, देखो टिल्ट का ऑप्शन मिल जाता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। यहाँ पर स्टीयरिंग पे बात करें, यहाँ पर ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको जो कंट्रोल्स मिलते हैं ये आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को चेंज करने के लिए, TPMS वगैरह आपको सब इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर टाटा का लोगो वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ इस तरीके का सेटअप। यहाँ पे आते हैं तो AC वेंट आपको मिल जाते हैं, उसके नीचे जो ये है लेदर टच आपको देखने के लिए मिलेगा। 7 इंच का हरमन पावर्ड इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। अगर इसकी साउंड सुननी है दोस्तों, 4 स्पीकर और 2 ट्विटर की, तो आप नीचे वीडियो में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा है, वहां जाकर इसकी साउंड सुन सकते हैं। यहां पर देखें तो एक बड़ा अंतर ये हो गया, यहां पर आपको सेंट्रल कंसोल जो है ना टच पैनल के साथ में मिल रहा है, और इसे इग्निशन को ऑन करता हूं ना तो यहां पर जगमग सा हो जाएगा जैसे ही इसे ऑन करेंगे। तो ये देखो, बाकी के जो बटन आ गए वो भी छपे आ गए, यहाँ पर हेजार्ड का बटन बूट ओपन करने के लिए, और यहाँ पर गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए, यहाँ पर AC का फैन और टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए फिजिकल बटन, बाकी सब के लिए आपको टच सेंसिटिव बटन। नीचे की तरफ 12 वोल्ट का सॉकेट, एक टाइप ए पोर्ट टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, सबसे बड़ा अंतर है दोस्तों इन दोनों गाड़ियों के बीच में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का। उसके बाद देखो, इको सिटी और स्पोर्ट मोड। अब देखते हैं इस गाड़ी के अंदर वॉइस नोटिफिकेशन मिलता है या नहीं मिलता है। तो जैसे मैं इसको चेंज करता हूं तो साइलेंट हो जाता हूं। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। सुना दोस्तों, दोबारा से एक बार और सुन लो। सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड।
उसके बाद देखो पार्किंग ब्रेक कुछ इस तरीके से मिलेगा, दो कप होल्डर मिल जाते हैं, एक बोतल होल्डर मिल जाता है। उसके बाद ग्लोव बॉक्स की बात करें तो कुछ ऐसा बड़ा सा कूल्ड के ऑप्शन के साथ में ग्लोव बॉक्स और दो कप होल्डर बेचने के लिए मिल जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों ऊपर की तरफ क्या मिलेगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं तो टिकट होल्डर कुछ इस तरीके से, यहाँ पर डे नाइट वाला आपको IRBM मिलता है, ये लाइट मिल जाती है, यहाँ पर माइक के ऑप्शन मिल जाते हैं और यहाँ पर पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ करने का इंडिकेशन। उसके बाद पैसेंजर साइड में जो सनसेट है उसमें वैनिटी मिरर मिल जाएगा, ग्रैब हैंडल शानदार सॉफ्ट टच के साथ में। उसके बाद छह एयरबैग दोस्तों, हर पिलर पे एयरबैग की बैजिंग, टाटा की निशानी खूबी और बहुत बढ़िया टाटा की तरफ से। अब चलते हैं दोस्तों स्मार्ट वेरिएंट के रियर सीट पे, वहां आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं पीछे की तरफ, अब देखते हैं दोस्तों रियर सीट पे क्या मिलता है। तो जैसे इसको डोर को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर यार सबसे बड़ा अंतर देखो यहाँ मिलेगा, SUV के अंदर आपको ये चक्का मिल रहा है। उसके बाद देखो स्पीकर वगैरह नहीं मिलता, स्पीकर ग्रिल देखने के लिए मिलेगी और डोर हैंडल आपको ब्लैक फिनिश में मिलेगा। पीछे की सीट्स में देखें तो दोनों ही सीट्स के अंदर जो है ना आपको नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट, साथ में बेंच फोल्डिंग मिलती है। हालांकि सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको एज इट इज मिलेगी। और एक बड़ा अंतर पीछे की तरफ बैठकर बताते हैं तो यहाँ पर आपको जो है ना रियर AC वेंट नहीं मिलेंगे पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए, उन्हें गर्मी में ही मरना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्रिएटिव वेरिएंट में, यहाँ पीछे की तरफ क्या मिलता है तो चल के देख लेते हैं। उसके बाद दोनों ही गाड़ियों के जो बूट है एक साथ कंपेयर कर देंगे। तो देखो सबसे पहले डोर पे देख लो, डोर पे वही आपको प्रीमियम टच देखने के लिए मिलेगा, ये व्हाइट कलर का मिल जाता है। यहाँ पर डोर हैंडल क्रोम में मिलेगा, वो यहाँ पावर विंडो का ऑप्शन, यहाँ पर आपको एक स्पीकर मिल जाता है, बॉटल होल्डर मिल जाता है। ठीक है, पीछे से देखें यहाँ पर तो कुछ इस तरीके का आपको डैशबोर्ड मिलेगा, लेकिन एक बड़ा अंतर यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आपको रियर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन एक चीज और, दोनों ही सीटों में तो देखो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है, साथ में 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल रही है, लेकिन यहाँ भी आपको बेंच फोल्डिंग का ही ऑप्शन मिलेगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर मिल जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हो 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है एक पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए, उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा था। अब बात करेंगे दोनों गाड़ियों के बूट में आपको क्या क्या अंतर देखने के लिए मिलेगा। तो दोनों गाड़ियों का बूट मैं एक साथ ओपन कर देता हूं और फिर साथ में कंपेयर कर देता हूं। तो दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के बूट में कोई अंतर नहीं मिलने वाला है, सेम एज इट इज बूट मिलेंगे। यहाँ पर बेस वेरिएंट का और यहाँ पर क्रिएटिव वेरिएंट का बूट आपको ओपन दिख जाएगा। यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों में 382 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस मिलता है। अब देख लेते हैं बेस वेरिएंट के अंदर बूट में मिलता क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो पार्सल ट्रे गायब दिखेगी आपको, बेंच फोल्डिंग सीट मैंने आपको बता दी। उसके बाद देखो यहाँ पर कोई भी बूट लाइट नहीं देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर 3 किलो पेलोड के 1, 2, 3, 4 हुक मिल जाते हैं। यहाँ पर पीछे की तरफ जो है कोई भी पावर सॉकेट नहीं मिलता है। उसके बाद देखो स्पेयर व्हील की बात करें तो सेम साइज का आपको 195/8/15 सेम साइज का जो है ना स्पेयर व्हील देखने के लिए मिलेगा, कोई बदलाव नहीं है। अगर टेल गेट को देखें तो टेल गेट प्रॉपर तरीके से कवर किया गया है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं। ठीक है, इस बूट को कर देता हूं मैं बंद और अब आ जाता हूं दोस्तों क्रिएटिव वेरिएंट की तरफ। तो देखो दूसरा अंतर ये मिलेगा कि आपको यहां पर पार्सल ट्रे देखने के लिए मिल जाएगी, कैपेसिटी वही रहेगी 382 लीटर की, 3 किलो पेलोड के 4 हुक तो मिल जाते हैं, साथ में आपको ये ऐड हो गई बूट लाइट और मिल जाएगी। और एक चीज और मिलेगी दोस्तों, यहां पर एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों स्पेयर व्हील की। तो यहां पर 195/8/16 का स्पेयर व्हील, मतलब साइज में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन जो टायर प्रोफाइल है उसमें थोड़ा सा चेंज मिल जाता है। अगर यहां पर देखें तो टेल गेट को जो है ना प्रॉपर कवर किया गया है, जैसे कि स्मार्ट में वैसा ही सेम आपको इसमें मिलेगा। इसको भी मैं कर देता हूं बंद और आ जाता हूं फ्रंट की तरफ। तो दोस्तों ये था स्मार्ट वेरिएंट और क्रिएटिव वेरिएंट का एक महा कंपैरिजन वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना, कोई सवाल हो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, मेजर जो अंतर थे वो मैंने आपको सब कुछ बता दिए, इन गाड़ियों में क्या क्या अंतर मिलेंगे। जैसे कि सबसे बड़ा अंतर तो आपको गियरबॉक्स का मिल जाता है, उसके बाद दूसरा बड़ा अंतर मिलता है पीछे की तरफ जो AC वेंट है उसका मिल जाता है, ORVM का अंतर मिल जाता है, आगे हेडलैम्प का अंतर मिल जाता है, सिक्वेंसल का अंतर मिल जाता है, उसके बाद पावर विंडो का अंतर मिल जाता है, रूफ रेल्स का अंतर मिल जाता है, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, रियर वाइपर और रियर वॉशर का अंतर मिल जाता है। तो ठीक है, इस तरीके से आपको ये कुछ मोटे मोटे अंतर जो है एलॉय व्हील का और बता देता हूँ, एलॉय व्हील का और इसका अंतर मिल जाता है। ठीक है, ये मोटे मोटे अंतर जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसके अलावा ज्यादा कोई अंतर देखने के लिए नहीं मिलता है। दोनों वेरियंट में 3 लाख रुपए का ये है डिफरेंस इन गाड़ियों में। वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।